नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। करीब एक सप्ताह पूर्व विधायक घनश्याम श्रॉफ का बाहरी कॉलोनियों की सीवर व्यवस्था वे पीने के पानी की सप्लाई का निरीक्षण करने के बाद सीएम को शिकायत भेजी गई। उस पर अमल करते हुए सरकार ने सीवर वे पीने के पानी की व्यवस्था की जांच के लिए पब्लिक हेल्थ के इंजीनियर इन चीफ को भेजा। चीफ इंजीनियर ने इलाके का दौरा किया और दो सप्ताह के भीतर सीवर वे पीने के पानी की सप्लाई दुरुस्त करवाने का भरोसा दिलाया। पब्लिक हेल्थ के चीफ इंजीनियर कपिल जैन चंडीगढ़ से भिवानी पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में पब्लिक हेल्थ के अधिकारियों की बैठक ली। उसके बाद पूरे दल बल के सहित चीफ इंजीनियर कपिल जैन विधायक घनश्याम श्रॉफ के साथ शहर के दौरे पर निकले। विधायक घनश्याम श्रॉफ ने उक्त अधिकारी को सबसे पहले पीपली वाली जोहड़ी इलाके की सीवर में पीने के पानी की व्यवस्था को दिखाया। जिस वक्त अधिकारी पहुंचे उस वक्त सड़कों पर सीवर का पानी बहता हुआ मिला। और इसी के साथ देखते रहिए पल पल की विशेष रिपोर्ट। अपना ध्यान दिया ऐसे ना तेरा आकर आप देख लेंगे खाली कर चेक उसको फटाफट करके करवा लो जी साहब। तो ये काम ठीक करवाओ आप भी आपका भी होगा इसमें। आप एक बार चेक करो इस एरिया में पानी कितन किन घरों में गंदा है किन में अच्छा है। उसके बाद आपका कोई ज्वाइंट अपना हो तो मुंदाड़ देगा लग के इसको ठीक करो। वार्ड में 5-6 जगह तो लीकेज होगा सब भाई और ये जबरदस्त लीकेज वाले प्रतीस है जैसे बोले कि कई राजेंद्र पर जो राम उतर और के बस्ती पे थे उधर लोग इकट्ठे हो काफी लोग परेशान भी है। आज जो शहर में सिवरेज और ड्रेनेज की मुख्य समस्याएं थी उनको लेकर चीफ इंजीनियर साहब हमारे बीच में आए और ये सारी बातें इनको दिखाई गई बताई गई उसके आधार पर ये कह रहे हैं कि 15 दिन के समय में हम इसको दुरुस्त कर देंगे। सर पिछले 3 वर्षों से लोग परेशान हैं, उनका कहना है कि बार बार आश्वासन दिए जाते हैं और ऐसा है करीब करीब 1 वर्ष से तो पता है लेकिन पहले के 2 वर्ष भी जिस प्रकार से ये कह रहे हैं मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस प्रकार से पानी भरा हुआ है। आज हमारे साथ पार्षद हमारे इस इलाके के पवन भाई ललित भाई भाई हर्षी डुडेदा छोटू राम और एक हमारे बड़े भाई चावड़ा जी रिश्तेदार भी हैं मेरे और ये सब अधिकारियों के साथ हमारे बीच में आए हैं और जो समय हमारे अधिकारियों ने मांगा उससे भी बढ़ के इन्होंने समय दिया है। और अब ऐसा लगता है कि जो अनवांटेड लोग उस एरिया में पानी का व्यर्थ वहन कर रहे थे और उस पानी की समस्या से जो रोड पर भरी रहती है सिवरेज के माध्यम से इन सब की सफाई करवा कर हमें ये मालूम चलता है कि 15 दिन में समस्याएं दूर होंगी। सर जिस प्रकार से तो अपना प्रदर्शन करने का एक साधन होता है ढोल या एक भैंस के गले में भी डाल के ले गए थे इसको, लेकिन जब समस्या हमारे अफसर सुनते नहीं इन सब की तो ये क्या करें, उसके लिए इन्होंने ये प्रयास किए थे। लेकिन आज की अवस्था में हमारा गंदा पानी जो भी आ रहा है कम से कम 50-60 लाख लीटर पीने का पानी खर्च करवाया जा रहा है और क्योंकि जहाँ बदबू और ये सिवरेज आएगा वहाँ का पानी बिल्कुल वेस्ट होगा क्योंकि ये लोग फिर पूरे समय उसको खुला चलने देते हैं। ये एक समस्या है इस शहर में। हमारे 1970-72 में सिवरेज की लाइनें पड़ी थी और उस समय से आज तक जो लाइनें 8 इंची की थी वे 8 इंची के हैं, जो 10 इंची की थी वे 10 इंची हैं और 12 इंच की भी कुछ जगह लाइनें पड़ी हुई मिली हैं। लेकिन शहर का आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए एक एक एरिया को एक एक वार्ड को लेकर इसमें जहाँ भी पीने और सिवरेज के पानी की लाइनों की समस्या है उनको दूर करना पड़ेगा, तब जाके हमारा जो सिस्टम है वो बढ़िया ढंग से चल पाएगा। और हमारी जनता के बीच में जो पार्षद लोग मेरे साथी हैं वे रहते हैं तो उनको ज़्यादा इस बारे में पता रहता है
और वे लोग यदि कोई समस्या हमें बताते हैं तो हम वहाँ पर जाकर उनकी समस्याओं को दूर करने का काम करते हैं। सर, 7 दिन पहले आपने भी दौरा किया, जो 15 दिन का समय दिया गया था उसमें अभी 5-6 दिन बाकी हैं। हमारे चंडीगढ़ से इंजीनियर भी आए हैं और हमारे सभी वार्ड के पार्षद और सभी अग्रगण्य बंधु हमारे साथ हैं और उन्होंने कुछ एरिया का जो सीवरेज का पानी निकला वो दिखाया है, लेकिन मेन गली में अब तक पानी भरा हुआ है, जो चिंताजनक विषय।